Hello everyone. In this video, I am going to explain number system, which is a topic from digital electronics. तो ये जो number system का topic है, ये बहुत ही basic topic है digital electronics का. तो हमें पता है कि computer क्या है. Computer एक digital device है और digital device होने के कारण उसे सिर्फ दो ही number समझ में आते हैं. एक है zero और दूसरा है one. Computer को नहीं समझ में आता है क्या है ABCD या क्या है 1 2 3 4. So कंप्यूटर अंडरस्टैंड ओनली 0 एंड 1. तो जब भी हम कोई लेटर्स टाइप करते कीबोर्ड में, सपोज मैंने टाइप किया बी या डी या मैंने टाइप किया है 6 7, तो कंप्यूटर क्या करता है, उसे ट्रांसलेट करता है इनटू नंबर्स. उसका काम है उसको नंबर्स में ट्रांसलेट करना. द वैल्यू ऑफ ईच डिजिट इन द नंबर. सपोज मेरे पास एक नंबर है 1 एंड 6. इस नंबर का हर एक डिजिट, ये क्या है, डिजिट हो गया. और इसका जो वैल्यू है, द वैल्यू ऑफ ईच डिजिट इन द नंबर कैन बी डिटरमाइंड. ये इसका वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो उसके लिए हमें चाहिए ये डिजिट, फिर चाहिए इसका पोजीशन, यानी नंबर में कौन से पोजीशन पे है, और बेस ऑफ नंबर सिस्टम, यानी कौन से टाइप का नंबर सिस्टम है. तो कंप्यूटर में हम लोग कई तरह के नंबर सिस्टम यूज करते हैं, और वो नंबर सिस्टम है बाइनरी नंबर सिस्टम, ऑक्टल नंबर सिस्टम, हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम एक्सेट्रा. तो ये सारे नंबर सिस्टम को हम वन बाय वन पढ़ेंगे, और फिर एक टाइप के नंबर सिस्टम से दूसरे टाइप में कैसे कन्वर्ट करते हैं और उसका क्या प्रोसीजर है, वो भी हम जानेंगे. सो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं डेसिमल नंबर सिस्टम से. क्या है डेसिमल नंबर सिस्टम, जो हम एवरीडे लाइफ में यूज कर रहे हैं, एवरीडे यूज कर रहे हैं 1 2 3 4, ये क्या है, डेसिमल नंबर सिस्टम है. तो डेसिमल नंबर्स वेरीज फ्रॉम 0 to 9. ये कहां से कहां तक है, तो 0 to 9 से. टोटल कितने डिजिट्स है डेसिमल नंबर सिस्टम में, तो टोटल 10 डिजिट्स है, क्योंकि 0 to 9 तक है. और उसका बेस क्या है, डेसिमल नंबर सिस्टम का बेस होता है 10. इन डेसिमल नंबर सिस्टम ईच पोजिशन रिप्रेजेंट स्पेसिफिक पावर ऑफ बेस 10. इसका मतलब क्या है, तो ये वेटेज होता है हर एक नंबर को. सपोज ये कोई भी डेसिमल नंबर है 9 4 0 2 3 5, ये कोई भी डेसिमल नंबर है, तो वो हर एक डिजिट का एक वेटेज होता है. और वो वेटेज कौन डिसाइड करता है, तो 10 का जो पावर है ये डिसाइड करता है. 10 का पावर क्यों डिसाइड कर रहा है, क्योंकि हम लोग डेसिमल नंबर सिस्टम पढ़ रहे हैं. डेसिमल नंबर सिस्टम का बेस है 10, और इसलिए ये 10 के पावर्स में रहेगा. 10 रेस टू हमें राइट हैंड साइड से स्टार्ट करना है. 10 रेस टू पावर 0, 10 रेस टू पावर 1, 10 रेस टू पावर 3 4 5 एंड सो ऑन. तो राइट हैंड साइड का जो डिजिट है उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 10 रेस टू पावर 0 से और सो ऑन. तो अब एक छोटा सा एग्जांपल देखते हैं हम लोग डेसिमल नंबर सिस्टम का. सपोज हमारे पास एक नंबर है 1 2 3 4. 1 2 3 4 एक डेसिमल नंबर है जिसका की बेस 10 है. तो हमें पता है 4 क्या है, यूनिट प्लेस पे है, 3 टेंस प्लेस पे है, 200 प्लेस पे है, और 1000 प्लेस पे. ये बचपन से हमने पढ़ा है. अब इसका कैलकुलेशन कैसे होता है, तो ये हम मल्टीप्लाई करेंगे 4 को 10 रेस टू पावर 0 से, क्योंकि ये यूनिट प्लेस पे है. फिर हम 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 10 रेस टू पावर 1 से, क्योंकि ये टेंस प्लेस पे है. 2 को मल्टीप्लाई करेंगे हम 10 रेस टू पावर 2 से, क्योंकि ये 100 प्लेस पे है. और 1 को मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग 10 रेस टू पावर 3 से, क्योंकि ये 1000 प्लेस पे है. और ये सारे नंबर्स को हमें बाद में ऐड करना है. यानी हमारा फॉर्मूला कैसे बनेगा, तो ये हमारा बन गया 4 इंटू 10 रेस टू पावर 0 प्लस 3 इंटू 10 रेस टू पावर 1 प्लस 2 इंटू 10 रेस टू पावर 2, ये हो गया, प्लस ये जो था 1 इंटू 10 रेस टू पावर 3. बस इतने ही है, इसकी हमें जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारा नंबर है 1 2 3 एंड 4. और इस तरह से जब हम फाइनल कैलकुलेशन करते हैं तो हमें मिलता है 1 2 3 4. ये हमने डेसिमल नंबर किस तरह से मिला है इसका कैलकुलेशन लिखा है. तो बेस क्या होता है, तो जब भी हम लोग डेसिमल नंबर सिस्टम इसके बाद लिखेंगे, तो हम लिखेंगे सपोज 1 2 3 4 हमारा नंबर है, तो हमें इस तरह से लिखना है 1 2 3 4 ब्रैकेट में लिखने हैं, और यहाँ पे हमें बेस लिखना है 10. अब बाइनरी नंबर सिस्टम, अब इसमें हम देखेंगे कि बाइनरी नंबर सिस्टम क्या होता है और बाइनरी को डेसिमल नंबर में कैसे कन्वर्ट करना है. तो सबसे पहले
बाइनरी नंबर सिस्टम में सिर्फ दो डिजिट रहेंगे, जीरो एंड वन. सो बाइनरी नंबर सिस्टम कंसिस्ट ऑफ ओनली टू डिजिट्स, दैट इज जीरो एंड वन, और उसका बेस होता है टू. अब जैसे डेसिमल में जो पावर्स थे वो 10 के पावर्स थे, क्योंकि डेसिमल नंबर सिस्टम का बेस क्या था, 10 था, इसलिए पावर्स क्या थे, 10 के पावर्स थे. 10^0, 10^1, 10^2 एंड सो ऑन. अब ये बाइनरी नंबर सिस्टम है, बाइनरी नंबर सिस्टम का बेस है 2, तो यहाँ पे वेटेज निकालने के लिए हमें पावर्स किसके चाहिए, तो 2 के चाहिए, तो रहेगा 2^0, 2^1, 2^2 एंड सो ऑन. तो अगर हमारे पास कोई भी एक नंबर है, सपोज 110101, और इसका अगर हमें वेटेज निकालना है, तो हम क्या करेंगे, इस 1 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 0 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 1 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 0 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इस तरह से मल्टीप्लाई करेंगे और फिर सबको ऐड कर देंगे. अब एक एग्जांपल लेते हैं कि कैलकुलेट डेसिमल इक्विवेलेंट ऑफ बाइनरी नंबर. ये हमारा एक कोई भी बाइनरी नंबर है जिसका बेस क्या है, 2, इस तरह से बेस को लिखा जाता है. इसको अब हमें डेसिमल नंबर में कन्वर्ट करना है, तो हम किस तरह से कन्वर्ट करेंगे, तो सबसे पहले हम सिंपल नंबर लिखेंगे 10101, ये हमने नंबर लिख दिया. अब हमें राइट हैंड साइड से स्टार्ट करना है, स्टार्ट नंबरिंग फ्रॉम राइट मोस्ट नंबर. अब यहाँ पे हमें क्या करना है, इसको जीरो, क्योंकि इसमें ये 0, 1, 2, 3, 4 हमेशा राइट साइड से स्टार्ट करो, लेफ्ट साइड से करोगे तो आंसर आपका रॉन्ग आ जाएगा. तो राइट हैंड के डिजिट को यहाँ पे 0, 1, 2, 3, 4. अब ये जो मैंने लिखे 0, 1, 2, 3, 4, ये क्या है, तो ये 2 के पावर्स है, यानी हम लोग क्या करेंगे, 1 × 2^0 प्लस 0 × 2^1 प्लस 1 × 2^2 प्लस 0 × 2^3 एंड सो ऑन. तो किस तरह से हमें लिखना है, तो हमारा आएगा, आप देखिए ये 1 × 2^0, तो ये है यहाँ पे 1 × 2^0. फिर होगा प्लस, बीच में हमने क्या लिखा, प्लस लिखा, फिर हमने ये लिया 0 × 2^1. 2^1 क्यों लिया, क्योंकि यहाँ पे ये 1 है, तो ये हो गया 0 × 2^1. फिर प्लस 1 × 2^2 प्लस 0 × 2^3 एंड सो ऑन. इसको कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट करने के बाद जो भी नंबर आएगा, ये हमारा डेसिमल इक्विवेलेंट नंबर होगा, ये है 21, यानी इसका डेसिमल इक्विवेलेंट, ये बाइनरी नंबर है 10101, इसका डेसिमल इक्विवेलेंट क्या है, तो ये है 21, जिसका की बेस क्या है 10. तो इस तरह से आपको बाइनरी नंबर को कन्वर्ट करना है डेसिमल नंबर में. अब नेक्स्ट है, डेसिमल को बाइनरी में कैसे कन्वर्ट करना है. अभी हमने क्या किया, बाइनरी को डेसिमल में कन्वर्ट किया, अब हमें क्या करना है, डेसिमल को बाइनरी में कन्वर्ट करना है. तो सपोज हमारे पास कोई भी एक नंबर है 112, ये डेसिमल नंबर है, और इसको हमें कन्वर्ट करना है बाइनरी नंबर में. तो सबसे हमें क्या करना है, डिवाइड द डेसिमल नंबर बाय 2, यानी ये जो गिवन नंबर है इसको हम 2 से डिवाइड करेंगे. तो हमने क्या किया, 112 डिवाइडेड बाय 2, अब हमारा क्या हुआ, ये है हमारा क्वेश्चन, और क्वेश्चन हमारा हो गया 56, और इसमें रिमाइंडर हमें मिला था 0, तो हमने रिमाइंडर को लिख दिया 0. अब हमें क्या करना है, ये सॉरी ये क्वेश्चन लेना है और क्वेश्चन को फिर से 2 से डिवाइड करना है. फिर से हमारा क्या हुआ, क्वेश्चन आया 28 और आंसर आया, नहीं रिमाइंडर आया, सॉरी रिमाइंडर आया 0. फिर हमने ये 28 लिया, क्वेश्चन लिया, फिर उसको डिवाइड किया 2 से, फिर हमारा आंसर आया 14, फिर हमारा रिमाइंडर आया 0, फिर हमने 14 लिया, डिवाइड किया, रिमाइंडर आया 0. अब हमने 7 को जब 2 से डिवाइड किया, तो हमारा क्वेश्चन है 3 और रिमाइंडर है 1, इसलिए हमने 1 लिखा, फिर हमने 3 लिया, और ये आपको तब तक करना है जब तक आपका क्वेश्चन 0 नहीं आ जाता. ये प्रोसीजर जो है, जो हमने की है, ये आपको रिपीट करनी है जब तक हमारा क्वेश्चन 0 नहीं आ जाता है. और यहाँ पे आपका रिमाइंडर आ गया 1, और इसका अब हमें नीचे से ऊपर लिखने हैं नंबर्स. नंबर्स कैसे लिखने हैं, तो हमें नीचे से ऊपर जाना है, और हमारा इसका बाइनरी इक्विवेलेंट होगा 1110000. इसको उल्टा मत लिखे, कभी भी इस तरह से इसको नहीं लिखना है, इसको हमेशा नीचे से ऊपर लिखना है. और ये हो गया बाइनरी इक्विवेलेंट ऑफ डेसिमल नंबर 112, यानी 112 का बाइनरी नंबर है 1110000. अब नेक्स्ट नंबर सिस्टम हम देखते हैं, ऑक्टल नंबर सिस्टम. अब ऑक्टल नंबर सिस्टम में 8 डिजिट्स होते हैं, जैसे कि नेम ही बोलता है ऑक्टल, ऑक्टल मींस 8,
एट ही नंबर्स होंगे तो नंबर्स है फ्रॉम 0 to 7। तो 0 to 7 जो नंबर्स है वो क्या है? ऑक्टल नंबर्स है। उसका बेस क्या होगा? तो बेस होगा 8। अब जैसे कि डेसिमल में पावर्स किसके थे? तो 10 के थे। बाइनरी नंबर में पावर्स 2 के थे, तो ऑक्टल नंबर सिस्टम में पावर्स जो हो जाएंगे वो 8 के पावर्स होंगे। यानी जब हमें नंबर कन्वर्जन करना है डेसिमल में तो हमें लेने होंगे 8 के पावर्स। तो अब एक एग्जांपल लेते हैं कि एक कोई भी ऑक्टल नंबर है 12570। 12570 ये क्या है? ऑक्टल नंबर है क्योंकि इसका बेस क्या है? 8। अब इसको हमें कन्वर्ट करना है डेसिमल नंबर में, तो सेम प्रोसीजर यूज करना है। हम क्या करेंगे, ये 0 लेंगे, 0 को मल्टीप्लाई करेंगे 8 to the power 0 से। तो कैसे प्रोसीजर होगा? ये पहले हमने नंबर लिख लिया, फिर से हमें राइट हैंड साइड से स्टार्ट करना है। हम नंबर देंगे 0 1 2 3 4 लाइक दिस इन सीक्वेंस, जितने भी नंबर है आगे आप देते जाओ। और फिर हमारे ये एक्चुअली क्या है, तो ये 8 के पावर्स है। ये क्या है? 8 के पावर्स है। तो हम कैलकुलेट कैसे करेंगे? हम ये 0 लेंगे इंटू ये 8 to the power 0 प्लस 7 into 8 to the power 1 प्लस 5 into 8 to the power 2 प्लस 2 into 8 to the power 3 प्लस 1 into 8 to the power 4। इस तरह से हमने कर लिया, हमारा एक कैलकुलेशन आया और जो भी हमारा नंबर है, क्या नंबर है हमारा? 5496। 5496 हमारा क्या हो गया? डेसिमल इक्विवेलेंट ऑफ दिस ऑक्टल नंबर, यानी 12570 जो एक ऑक्टल नंबर था इसका ये क्या हो गया? डेसिमल इक्विवेलेंट हो गया। तो ये कर लिया हमने ऑक्टल टू डेसिमल कन्वर्जन। सेम है बाइनरी टू डेसिमल, उसी तरह से करना है। तो ऑक्टल टू डेसिमल का प्रोसीजर सेम है। अब हमारा नेक्स्ट नंबर सिस्टम है हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। और यहाँ पे ये नंबर सिस्टम जो है हेक्सा, यानी 16 नंबर्स है इसमें। लेकिन 16 नंबर्स में हम नंबर्स किस तरह से इसमें यूज करते हैं? तो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और 9 के बाद इंस्टेड ऑफ 10 11 12 13 14 हम लोग यूज करते हैं अल्फाबेट्स ABCDEF। और हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में टोटल 16 नंबर्स होते हैं फ्रॉम 0 to F। और ये कैसे होगा? फिर ए क्या है एक्चुअली? ए का वैल्यू है 10, बी का है 11, सी का है 12, डी का है 13, ई का है 14 और एफ का है 15। और हेक्साडेसिमल का बेस क्या है? तो हेक्साडेसिमल का बेस है 16, क्योंकि इसमें 16 नंबर्स है। तो वेटेज ऑफ ईच पोजीशन कैसे होगा? सेम होगा 16 to the power 0 1 2 3 4 5। तो अब एक हेक्साडेसिमल नंबर है हमारे पास 19FDE। ये कौन सा नंबर है? हेक्साडेसिमल नंबर है। अब इसको हमें कन्वर्ट करना है डेसिमल नंबर में। सेम प्रोसीजर करना है, फिर से आप ये नंबर लिखो, फिर राइट हैंड साइड से स्टार्ट करो, फिर उसको 0 1 2 3 4 नंबर दो, और फिर उसको इस तरह से मल्टीप्लाई करना है। कैसे करना है? ई को हमें मल्टीप्लाई करना है बाय 10^0 से, डी को मल्टीप्लाई करना है 10^1 से, एफ को इससे, 9 को 16 to the power 3 से, 1 को 16 to the power 4 से, और सबको फिर हमें क्या करना है? तो एडिशन करना है। अब हमारा 9 तो 9 है, 1 तो 1 है, एफ क्या था? 15 था, तो यहाँ पे 15 लिख दो। डी क्या है? 13 है। ये डी क्या है? 13 है, तो हमने 13 लिख दिया। ई क्या है? 14 है, तो यहाँ पे 14 लिख दिया। सबको ऐड कर दिया और इसके बाद हमें इसका मिला है डेसिमल इक्विवेलेंट जो है 106462। अब ये डेसिमल इक्विवेलेंट है तो इस नंबर में 9 से ऊपर का नंबर नहीं आना चाहिए। तो ये था हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम एंड हाउ टू कन्वर्ट हेक्साडेसिमल टू डेसिमल। अब ये नंबर सिस्टम रिलेशनशिप है, यहाँ पे हेक्साडेसिमल नंबर हम जैसे मैंने बताया कैसे लिखते हैं 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, उसके बाद हमारा आएगा ABCDEF। डेसिमल नंबर में कैसे होता है? तो डेसिमल नंबर होता है 9 तक और उसके बाद आते हैं 10 11, ये जो हमारा नॉर्मल नंबर सिस्टम है। और फिर ऑक्टल में क्या होता है? 7 और 7 के बाद हम लिखते हैं 10 11 12 13 एंड सो ऑन। और बाइनरी कैसा है? तो बाइनरी हम 4 बिट्स में मैंने यहाँ पे दिखाया है, 0 को रिप्रेजेंट करेंगे 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0, 2 क्या है 0 0 1 0। तो अगर ऑक्टल हमें करना है तो हम 3 का ही ग्रुप लिख सकते हैं लाइक दिस लाइक दिस। और डेसिमल का करना है तो हमें
पूरा 4 का ग्रुप लिखना होगा। और ये स्टैंडर्ड वैल्यूज है, ये तो आपको थोड़ा बहुत याद रखना ही होगा, अदरवाइज आपको कन्वर्जेंस नहीं आएंगे। अब देखते हैं बाइनरी टू ऑक्टल कैसे कन्वर्ट करना है। अब हमने पहले क्या किया था, हमने ऑक्टल टू डेसिमल कन्वर्ट किया था। अब हम क्या करेंगे, हमने बाइनरी को डेसिमल में कन्वर्ट किया था, अब हम बाइनरी को ऑक्टल में कन्वर्ट करेंगे। अब सबसे पहला स्टेप क्या है, ये हमारे पास कोई भी एक बाइनरी नंबर है उसको हमें ऑक्टल में कन्वर्ट करना है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, इसके 3-3 का ग्रुप बनाना है, ये जो नंबर है उसको, लेकिन राइट हैंड साइड से स्टार्ट करना है। तो हम लोग इस नंबर को, ये जो नंबर है 10101111100, इसको हम 3 के ग्रुप्स में हमने इस तरह से डिवाइड कर लिए। तो राइट हैंड साइड से पहले ग्रुपिंग करना है। तो हमारे पास क्या हुआ, ये एक ही वन बचा। अब एक तो नहीं चाहिए, हमें 3 का ग्रुप चाहिए, तो हमने उसको भी 0 0 डाल के 3 का ग्रुप बना दिया। यहाँ पे 0 ही डाल सकते हो, 1 नहीं डाल सकते। अब इसके बाद हमारे ग्रुप्स हो गए। अब हमारे पास एक स्टैंडर्ड टेबल है जो मैंने प्रीवियस टेबल में बताया था। तो ऑक्टल नंबर है ये जो प्रीवियस स्लाइड में हमारे पास था, इसमें तो ये ऑक्टल है और इसके ये जो 3 के ग्रुप्स है ये स्टैंडर्ड वैल्यूज है ऑक्टल के। ये 3 का है 011, 4 का है 100, 5 का है 101, 6 का है 110, 7 का है 111। तो ये स्टैंडर्ड वैल्यूज है और यही मैंने इस टेबल पे लिखी है। अब हमें क्या करना है, 100, 100 कहाँ है, ये 100, तो ये क्या हो गया 4, ऑक्टल नंबर क्या हो गया उसका 4। उसी तरह से 111 का क्या है 7, 010, 010 को क्या है 2, तो ये मैंने 2 लिख दिया। और 001 क्या है तो 1 है, मैंने यहाँ पे 1 लिख दिया और ये हो गया हमारा ऑक्टल नंबर। तो हमने कन्वर्ट कर लिया ये बाइनरी नंबर को ऑक्टल नंबर में, जिसका की बेस क्या है 8 है और इसका बेस क्या था 2 था, क्योंकि ये बाइनरी नंबर है। अब नेक्स्ट देखते हैं कन्वर्ट बाइनरी टू हेक्साडेसिमल। अब बाइनरी टू ऑक्टल में हमने 3 के ग्रुप्स बनाए थे, तो हमें बाइनरी टू हेक्साडेसिमल करते हुए हमें 4 के ग्रुप्स बनाने हैं, लेकिन हमें राइट हैंड साइड से ही स्टार्ट करना है। यहाँ पे एक एग्जांपल दिया है, ये कोई तो एक बाइनरी नंबर है जिसका की बेस क्या है 2 है और इसको हमें हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना है। तो हम क्या करेंगे, इसके 4 के ग्रुप्स बनाएंगे। 4 के ग्रुप्स बनाते हैं तो ये फिर से एक ये 1 जो है वो रह जाता है और इसके लिए इसको भी हमें 4 के ग्रुप में बनाने के लिए इसमें मैंने क्या कर दिए, जीरोस यहाँ पे डाल दिए। फिर ये 4-4 के ग्रुप्स हमारे बन गए हैं। नंबर आप देखिए, ये सिंपल है, ये एक नंबर है, फिर ये नंबर है, फिर ये नंबर है और फिर ये 1 है, सिंपल है। और फिर ये जो हमारा प्रीवियस टेबल है, इसी टेबल से अब हमें वैल्यूज उठानी है, जो स्टैंडर्ड टेबल मैंने आपको बताया। तो ये 1001, 1001 क्या होता है, तो ये 9 होता है, तो ये क्या हो गया 9 हो गया। 01110 क्या होता है, तो ये होता है 6, तो 6 लिख दिया। 0101 क्या होता है, तो 5 होता है, तो ये लिख दिया 5। और 0001, ये अभी आपको डिफिकल्ट लगता है लेकिन ये बहुत ही आसान है याद रखने के लिए, आपको आराम से याद हो जाएगा और फिर बहुत ही इजी लगेगा बाइनरी टू ऑक्टल और बाइनरी टू हेक्साडेसिमल। ऑक्टल में क्या करना है, तो 3 के ग्रुप्स बनाने हैं इस तरह से नंबर के, और हेक्साडेसिमल है तो 4 के ग्रुप्स बनाने हैं और स्टैंडर्ड वैल्यू से हमें ये वैल्यूज लिखनी है। इस तरह से 1569 हो गया इसका हेक्साडेसिमल इक्विवेलेंट, इसलिए इसका बेस लिखा है 16। सो आई होप यू अंडरस्टूड द नंबर सिस्टम कॉन्सेप्ट। बहुत ही आसान है, बस आपको याद रखना है कि कैसे करना है और कौन सा नंबर कन्वर्ट करने के लिए क्या मेथड है। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग।